नमस्कार, बहुत स्वागत। महासंग्राम 2024 देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति। ना तारीख तय हुई, ना उम्मीदवार सामने आए, फिर भी नेताजी अपना दरबार छोड़कर जमीन पर उतर आए हैं, क्योंकि इस साल लोकसभा का चुनाव है। सत्ता के सर्वोच्च शिखर के लिए पूरे देश में सबसे बड़ा सियासी बाजार सजने को तैयार है। राजनीतिक पार्टियां वादों की टोकरी में भरोसे का मसाला भर चुकी हैं और जल्द इसकी होम डिलीवरी शुरू होने वाली है, क्योंकि दिल्ली के सिंहासन की दौड़ में जुटी हर सियासी पार्टी के लिए इस वक्त हर इंसान एक वोटर है। तो आइए शुरू करते हैं महासंग्राम 2024। गुजारेंगे रात, बनेगी बात। दरअसल गांव चले अभियान के तहत मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री और संगठन के बड़े नेता आकांक्षी गांव और बूथ पर रात गुजारेंगे। इस दौरान हितग्राहियों से चर्चा भी करेंगे। 4 फरवरी से यह अभियान शुरू होगा और 11 फरवरी तक चलेगा। इधर इस अभियान पर कांग्रेस ने बीजेपी पर तंज कसा, कहा बीजेपी का जनता से कोई सरोकार नहीं है। बीजेपी ने कहा कि अंतिम छोर तक विकास योजनाएं पहुंचानी है, यही बीजेपी का मकसद है और इसी वजह से गांव चले अभियान शुरू हो रहा है। देखिए, ये तो कई बार घोषणा हो चुकी है, मंत्री अधिकारी जो है रात बिताएंगे। इससे पहले जो शिवराज सिंह जी थे उनके जमाने में भी हुई, लेकिन ये कभी भी फलीभूत नहीं हुई और ये कहीं भी जमीन पर नहीं उतरी। भारतीय जनता पार्टी इस बात का जवाब दे कि गांव चलो अभियान सिर्फ भाषण है या इवेंट, भाषण इवेंट है। अच्छा है कांग्रेस ऐसा सोचे, कांग्रेस की जो मर्जी है वो इसकी व्याख्या करे, विवेचना करे, पर गांव के बीच जनता के साथ ग्रामीणों के बीच 24 घंटा व्यतीत करना, उनके साथ रहना, कांग्रेस करके तो देखे। तो दरअसल ये पूरी प्लानिंग है क्या, बीजेपी का ये लोकसभा जीतने का प्लान है, गांव में 24 घंटे बड़े नेता गुजारेंगे। क्या है इसमें बीजेपी का मिशन 29, गांव और बूथ को 4 वर्गों में बांट दिया गया है। और क्या है वो, गांव और बूथों को 4 वर्गों में बांटा गया है, इनसे सीधे कनेक्ट होंगे बड़े नेता। आकांक्षी गांव, गांव में 24 घंटे आकांक्षी गांव होगा, बूथ होगा, इस पर रात गुजारी जाएगी ताकि लोगों से कनेक्शन बढ़ सके। 4 फरवरी से 11 फरवरी तक यह अभियान चलेगा, लेकिन इसके पीछे मकसद क्या है? 4 से 11 फरवरी तक जो गांव में रात बिताने का है, 4 से 11 फरवरी तक, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है 10% वोट बढ़ाने का टारगेट लिया गया है। गांव और बूथ को 4 वर्गों में बांट दिया गया है और टारगेट है ये 10% वोट बढ़ाना है बीजेपी को, और इसी की ये सारी कवायद है। गांव में रात गुजारेंगे बड़े नेता और उनकी ये जिम्मेदारी होगी लोगों से कनेक्ट हो, खासतौर पे आकांक्षी गांव और बूथ, इनसे कनेक्ट हो और वोटर से कनेक्शन बनाए। शैलेंद्र चौहान हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र के पास हम आपको लिए चलेंगे और ज्यादा जानकारी उनसे लेते हैं। शैलेंद्र, गांव में गुजारी जाएगी रात, क्या कुछ अपडेट? 4 से 11 फरवरी 10% वोट बैंक बढ़ाना जी। बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश का चुनाव लोकसभा का जो है वो जल्द ही घोषित हो जाएगा, तो पूरी पार्टी ने तैयारी की है कि इस बार जो अभियान चलेगा गांव चले अभियान, उसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हो, दोनों डिप्टी सीएम हो या सारे कैबिनेट मंत्री और जितने भी संगठन के नेता, ये सब रात गुजारेंगे, एक एक गांव जाएंगे, तो 29 लोकसभा सीट सभी पर कब्जा करने की रणनीति है और इसकी जीत का रास्ता कहीं ना कहीं गांव से होकर गुजरता है। तो पार्टी ने पूरी रणनीति पर काम शुरू कर दिया है और यह प्लान किया गया है कि हर बड़ा नेता किसी ना किसी गांव में रात गुजारेगा, चाहे प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा हो, संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा या वो तमाम प्रमुख नेता जो कि कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के बीच जाएंगे, बूथ मैनेजमेंट तक जाएंगे, हर बूथ के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, गांव के लोगों पे चौपाल सजाई जाएगी, वहां पर रात जब रुकेंगे तो गांव के लोगों के साथ बैठ की जाएगी, चौपाल पर चर्चा होगी, विकास के एजेंडे पर बात होगी। तो पार्टी का पूरा फोकस है कि इस बार 29-0 का जो लक्ष्य है, जो 58% वोट पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को मिले थे उसे 10% और बढ़ाना है और 68% वोट करीब पाना है,
ताकि मध्य प्रदेश में एक नया रिकॉर्ड हो। भाजपा की यह मंशा है कि इस बार इतनी बंपर जीत मिले, क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी भाजपा को एक बड़ी लीड मिली थी, उसी रणनीति को आगे बढ़ाया जा रहा है और 10% वोट अगर बढ़ते हैं तो पार्टी की यह मंशा है कि हर जो प्रत्याशी उनका लोकसभा में रहे वो 4 से 5 लाख वोट से जीते और एक नया रिकॉर्ड कायम करे। तो उसी रणनीति पर भाजपा काम कर रही है और गांव से कनेक्ट करने की पूरी प्लानिंग है। चलिए चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया शैलेंद्र सर तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी शैलेंद्र विस्तार से जानकारी दे रहे थे। और अब एक बड़ा सवाल कि क्या दिग्गज दरकिनार हो रहे हैं? यह अलार्मिंग खबर है क्या? लोकसभा चुनाव में बीजेपी एक बार फिर टिकट देने में विधानसभा चुनाव का फॉर्मूला अपना सकती है। बताया जा रहा है कि आधा दर्जन से ज्यादा सांसदों के टिकट काटे जा सकते हैं। इस फैसले पर बीजेपी खुलकर कुछ नहीं बोल रही है, लेकिन कांग्रेस कयास के सहारे बीजेपी पर निशाना साध रही है। मध्य प्रदेश में बीजेपी लोकसभा चुनाव में जुटी है। संगठन से लेकर सरकार के स्तर पर योजनाएं बनाई जा रही हैं और उसे जमीन पर उतारा जा रहा है, लेकिन इस बार खबर सामने आ रही है वो बीजेपी की कई सांसदों को मायूस करने वाली है। बताया जा रहा है कि पार्टी आधा दर्जन से ज्यादा सांसदों के टिकट इस बार काट सकती है, जिनमें से 5 सांसद अब विधायक बन चुके हैं। मुरैना, जबलपुर, दमोह, सीधी और नर्मदापुरम, इन 5 सीटों पर नए चेहरों को मैदान में उतारा जा सकता है। वहीं ग्वालियर, मंडला, इंदौर, टीकमगढ़, खंडवा, सागर और भिंड सीट पर भी प्रत्याशी बदले जा सकते हैं। गौरतलब है कि ग्वालियर से विवेक शेजवलकर, मंडला से फग्गन सिंह कुलस्ते का टिकट कट सकता है। कुलस्ते विधानसभा का चुनाव हार गए थे। इंदौर से शंकर लालवानी का टिकट कट सकता है। टीकमगढ़ से वीरेंद्र कुमार खटीक का टिकट काटा जा सकता है। खंडवा से ज्ञानेश्वर पाटिल का टिकट कट सकता है। सागर से राज बहादुर सिंह का टिकट कट सकता है। भिंड से भागीरथ प्रसाद का भी टिकट काटा जा सकता है। लोकसभा में जो भी चेहरे होंगे वो भाजपा के चेहरे होंगे, आकर्षक चेहरे होंगे, जनता की भावना और कार्यकर्ताओं की अपेक्षा आकांक्षाओं को पूरा करने वाले चेहरे होंगे, अच्छे और सच्चे चेहरे होंगे, जिनके कारण माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। कयास ये लग रहे हैं कि आधे से ज्यादा सांसदों के टिकट बदले जा सकते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कयास और अटकलों पर नहीं चलती है। भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के विस्तार करने के लिए, मजबूत करने के लिए और जनता की भावनाओं को पूरा करने के लिए आगे बढ़ती है। उधर बीजेपी सांसदों के टिकट काटे जाने को लेकर कांग्रेस चुटकी ले रही है। पार्टी का कहना है कि सत्ता पक्ष चेहरे बदलकर छवि चमकाने की कोशिश में है। देखिए, जब भी किसी पार्टी के चेहरे इतने दागदार हो जाते हैं कि उन्हें वापस मैदान में नहीं उतारा जा सकता, इसलिए नए चेहरे ढूंढते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के सारे चेहरे दागदार हो गए। आधे तो जो है 7 इंजन लगा के अभी चुनाव लड़वा दिया था विधानसभा का, और बाकी जो है आप देखें कि इनके कितने मंत्री, 12 मंत्री हार गए, चुनाव हार गए। तो ये दागदार चेहरे तो थे ही। पूरी की पूरी 18 साल की सरकार में जनता के साथ तो कोई न्याय हुआ नहीं, जनता के साथ तो लूट, झूठ और फूट का राज चला है। तो वो व्यवस्था में चेहरे बदलने के अलावा इनके पास कोई चारा नहीं है। और ये चेहरे बदलेंगे और कोशिश करेंगे लोगों को उन चेहरों के नाम पर फिर से लोगों को ठग सकें, जनता को ठग सकें। टिकट काटे जाने की खबर मौजूदा सांसदों के लिए मायूस करने वाली है। वहीं दूसरी तरफ पार्टी कह रही है जिसे भी टिकट दिया जाएगा वो जिताऊ चेहरा होगा। उधर लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक मुद्दा मिल गया है बीजेपी पर आरोप लगाने का, लेकिन इन आरोपों का उसे कितना फायदा मिलेगा कहना मुश्किल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। ग्यारह अनार, 40 बीमार, स्थितियां ऐसी हो चली हैं। जैसे जैसे लोकसभा चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो रही है, छत्तीसगढ़ बीजेपी में टिकट के दावेदारों की फहरिस्त लंबी होती जा रही है। पार्टी के नए चेहरों को तरजीह देने की खबर ने कई दावेदारों की उम्मीदों पर पंख लगा दिए। दूसरी तरफ प्रत्याशियों को लेकर माथापच्ची कर रही पार्टी के लिए यह कड़ी चुनौती है। छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव की सरगर्मी तेज है, खासकर सत्ताधारी पार्टी बीजेपी में उम्मीदवारों को लेकर मंथन चल रहा है। पार्टी सूत्र बता रहे हैं कि ज्यादातर सांसदों के टिकट काटे जा सकते हैं और नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। नए चेहरों को मौका देने की खबर ने पार्टी में टिकट के दावेदारों में ऊर्जा का नया संचार भर दिया है।
छत्तीसगढ़ में लोकसभा की 11 सीटें हैं। चुनाव में करीब 100 दिन का समय अभी बाकी है, लेकिन अभी से 40 दावेदारों के नाम सामने आ रहे हैं, जिसमें से कई दावेदार तो अपना बायोडाटा लेकर बड़े नेताओं के दरवाजे पर दस्तक भी देने लगे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव में संगठन हमको जो भी जिम्मेदारी देती है हम उसे पूरी निष्ठा से करते हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में माननीय मोदी जी के नेतृत्व में भाजपा की 400 सीटें आएंगी और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री फिर से मोदी जी ही बनेंगे। और इस बार मुझे पूरी उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ में जो 33% आरक्षण देके नारी बंधन किया गया है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि छत्तीसगढ़ में तो कम से कम 33% आरक्षण हम सब महिलाओं को मिलेगा। और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी तैयारियां प्रारंभ कर दी है, और उसके अभी हमारे कल क्षेत्रीय संगठन महामंत्री आदरणीय श्री अजय जामवाल जी, हमारे प्रदेश के संगठन के महामंत्री माननीय पवन साय जी ने बिलासपुर लोकसभा की बैठक भी ली, और लगातार इस प्रकार की बैठकों का क्रम पूरे प्रदेश में जारी है। प्रत्याशियों का चयन और कब तक के टिकट की घोषणा हो जाएगी, कुछ समय सीमा समझ में? यह केंद्रीय चुनाव समिति का विषय है, इस विषय पर वही हमारा केंद्रीय शीर्ष नेतृत्व ही इस विषय को अच्छे से बता सकेगा। वहीं इस बार महिला उम्मीदवारों को टिकट देने की खबर ने महिला दावेदारों की उम्मीदों को भी पंख लगा दी है। गौरतलब है कि पार्टी के कई नेताओं और मंत्रियों ने कहा कि बीजेपी लोकसभा चुनाव में 33% महिलाओं को आरक्षण देने के नियम का पालन करेगी। लोकसभा ही नहीं, विधानसभा में भी देखो 33% आरक्षण का लाभ मिला है, लागू नहीं हुआ है, लेकिन लोकसभा की बात है। निश्चित तौर पे महिलाओं को अब भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ा रही है, तो महिलाओं को भी लाभ मिलेगा उसका। बीजेपी में टिकट के लिए पूर्व सांसद, विधायक, मेयर से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता अपनी दावेदारी जताने के लगे हैं। हालांकि टिकट पर फैसला केंद्रीय नेतृत्व को करना है, लेकिन स्थानीय नेताओं के सुझाव इसमें अहम भूमिका अदा करेंगे। यही वजह है कि ज्यादातर दावेदार अपनी अपनी पहुंच के मुताबिक प्रदेश के आला नेताओं के दरवाजे खटखटाने लगे हैं। उमेश मौर्य, न्यूज 18, बिलासपुर। रायपुर में भाजपा प्रवेश समिति की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। राष्ट्रीय मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ की अध्यक्षता में बैठक हुई। इसमें कांग्रेस पार्टी समेत अन्य पार्टियों के बड़े नेताओं के भाजपा में प्रवेश पर मंथन किया गया। बीजेपी के नेता विमल चोपड़ा बता रहे हैं कि जो भाजपा के सिद्धांतों से सहमत है, भाजपा में प्रवेश चाहते हैं, एंट्री चाहते हैं, उन्हें लेकर प्रदेश और जिला स्तर पर प्रवेश समिति बनाई गई है। उधर कांग्रेस संचार विभाग के प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला कह रहे हैं, तंज कस रहे हैं और कह रहे हैं कि पहली बात तो ये कि कांग्रेस का कोई बड़ा नेता बीजेपी में जाना नहीं चाहता, जानबूझकर ऐसी अफवाहें फैलाई जा रही हैं। देखिए, ये राजनीति है और राजनीति में अपने कुंडे को बढ़ाने का काम हर पार्टी करती है, और हम ऐसे लोग को लेंगे जो भारतीय जनता पार्टी की नीति और सिद्धांतों से सहमत हैं। पूरी की पूरी कांग्रेस भी यदि हमारी नीति और सिद्धांतों से सहमत है और भाजपा में आना चाहती है तो हमको कोई आपत्ति नहीं। तो ऐसे कांग्रेस समेत दूसरी पार्टियों के नेता संपर्क में हैं, लोकसभा से पहले ऐसा प्रवेश हो सकता है? जी जी बिल्कुल, बहुत सारे लोग जो हैं कांग्रेस के पदाधिकारी और नेता और दूसरी पार्टियों के नेता वो भारतीय जनता पार्टी में शीघ्र प्रवेश करेंगे। दो चीजें स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस का कोई भी नेता भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश करने नहीं जा रहा है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी ने खुद इस बात की घोषणा की है कि ऐसे लोग जिन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था और कुछ मत हासिल किए हैं, उनसे हाथ पैर जोड़ के उनको भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया जाएगा। अब भारतीय जनता पार्टी ने इस दिशा में कार्रवाई भी किया है, छत्तीसगढ़ के कुछ लोगों को आम आदमी पार्टी और थर्ड फ्रंट के लोगों को इस्तीफा दिला के भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश दिलाया। और सीधा आपको लिए चलते हैं रायपुर, सहयोगी आकाश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आकाश से और जानकारियां हम ले लेते हैं। आकाश, लोकसभा चुनाव तैयारियां, इन सब के बीच सबसे ज्यादा निगाहें रहेंगी इस प्रवेश समिति पर। आकाश जी बिल्कुल, देखिए भाजपा में जो विभिन्न पार्टियों में जो आना चाहते हैं, भाजपा में शामिल होना चाहते हैं, उसके लिए समिति बनाई गई है। आप समझिए कि समिति बनाने का कारण क्या है कि कहीं ना कहीं भाजपा चाहती है कि लोकसभा चुनाव में ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, जो 11 सीट का उन्होंने लक्ष्य रखा है वो पूरा हो। कारण यही है कि प्रदेश स्तर से लेकर ब्लॉक स्तर तक उन्होंने टीम गठित की है, प्रवेश समिति गठित की है,
वो विभिन्न पार्टियों से आने वाले लोगों के साथ चर्चा कर रहे हैं और उन्हें पार्टी में मिलाना चाहते हैं। इसको लेकर आज बैठक हुई है पार्टी कार्यालय में। राष्ट्रीय मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ मौजूद थे, इसके साथ ही अजय जामवाल, पवन शाह, अजय चंद्राकर जैसे तमाम दिग्गज मौजूद थे। मंथन हुआ है, बैठक हुआ है और यह भी इसमें रणनीति बनी है कि जो विपक्षी दलों के जो बड़े नेता शामिल होना चाहते हैं उसको किस तरीके से प्रवेश कराया जाए, कितना लोकसभा चुनाव में उनका फायदा होगा और इसको लेकर पूरा तमाम जो फीडबैक है वो लिया जा रहा है। इसके अलावा भी जो कार्यकर्ता या बड़े जिला स्तर के, ब्लॉक स्तर के जो नेता भाजपा में प्रवेश लेना चाहते हैं उनके लिए भी अलग समिति बनाई गई है और जमीनी स्तर पर काम किया जा रहा है। पूरे प्रदेश में यह समिति काम कर रही है, गठन किया जा रहा है और इसकी लगातार समीक्षा हो रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। सहयोगी आकाश विस्तार से जानकारी दे रहे थे और क्या कुछ समिति के बारे में कहा जा रहा है वो भी हम आपको लगातार बता रहे हैं। अब इस वक्त की बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं जो सभी से जुड़ी हुई है, यूपीआई पेमेंट से जुड़ी हुई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, रिजर्व बैंक का पेटीएम पेमेंट बैंक पर बड़ा फैसला आया है। रिजर्व बैंक ने डिपॉजिट लेने पर, बैंक के डिपॉजिट लेने पर रोक लगा दी है। 29 फरवरी से डिपॉजिट पर रोक लगा दी गई है, नियमों का पालन न करने पर यह बड़ी कार्रवाई। पेटीएम पेमेंट्स बैंक से ग्राहक पैसा निकाल सकते हैं। पेटीएम पर आरबीआई का बड़े एक्शन के तौर पर इसे देखा जा रहा है। 29 फरवरी के बाद बैंकिंग सर्विस नहीं, आरबीआई की तरफ से इसे तगड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। पेटीएम पर आरबीआई का बड़ा एक्शन, 29 फरवरी के बाद बैंकिंग और वॉलेट सर्विस बंद होगी, नए ग्राहक भी पेटीएम अभी नहीं जोड़ पाएगा। पेटीएम को लेकर आरबीआई का बड़ा एक्शन, आरबीआई की तरफ से तगड़ा झटका पेटीएम को दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, पेमेंट से जुड़ी खबर, आपसे जुड़ी खबर, हर किसी से जुड़ी खबर, पेटीएम पेमेंट बैंक को लेकर यह बड़ा फैसला। डिपॉजिट, रिजर्व बैंक ने डिपॉजिट लेने से रोक लगा दी है। 29 फरवरी से डिपॉजिट लेने पर रोक लगा दी गई है, नियमों का पालन न करने पर यह कार्रवाई हुई है। पेटीएम पेमेंट बैंक से ग्राहक अपना पैसा निकाल सकता है लेकिन बैंक अब डिपॉजिट नहीं लेगा। पेटीएम पर आरबीआई का यह बड़ा एक्शन, 29 फरवरी के बाद बैंकिंग सर्विस नहीं, तगड़े झटके के तौर पर इसे देखा जा रहा है, नियमों का पालन न करने पर यह कार्रवाई हुई है। 29 फरवरी के बाद बैंकिंग और वॉलेट सर्विस बंद रहेगी और तो और नए ग्राहक जोड़ने पर भी रोक लगी हुई है। यह बड़ी जानकारी हम आपको इस वक्त दे रहे हैं। पेटीएम को लेकर सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले वॉलेट और यूपीआई में पेटीएम है। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव को देखते हुए सूबे की दोनों पार्टियों के बीच माइंड गेम शुरू हो गया है। दोनों पार्टियों के बीच प्रत्याशी चयन को लेकर माथापच्ची जारी है। बीजेपी बोल रही है कि कांग्रेस फिर हार मान चुकी है। कांग्रेस कह रही है कि विधानसभा चुनाव पुरानी बात हो गई। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव की पिच पर उतरने से पहले बीजेपी कांग्रेस के बीच माइंड गेम शुरू हो गया। प्रचंड बहुमत के साथ सूबे की सत्ता पर काबिज होने वाली बीजेपी ने पहले कांग्रेस का सूपड़ा साफ किया, अब आम चुनाव से पहले विपक्ष का मनोबल तोड़ देना चाहती है। इसके लिए माइंड गेम शुरू हो चुका है। चुनाव की आहट भले ही अभी दूर से सुनाई दे रही है लेकिन सियासी चौरस पर मोहरे बिछाई जाने लगी है। बीजेपी कह रही है गांधी जी का सपना था आजादी के बाद कांग्रेस को खत्म कर दिया जाए। जनता गांधी जी के सपने को साकार करने की दिशा में कदम बढ़ा चुकी है। कांग्रेस के बड़े नेता चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं, लिहाजा कांग्रेस मैदान में उतरने से पहले हथियार डाल चुकी है। अपनी नीति, नियत और चरित्र के कारण पूरे देश में जनाधार खोती कांग्रेस को उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं और हमने अभी सोशल मीडिया और मीडिया में भी देखा है कि किस प्रकार से कांग्रेस के नेता आगे रहकर मना कर रहे कि हम लोकसभा चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं और बापू का वो स्वप्न भारत की जनता पूरा करेगी जिसमें बापू ने कहा था कि कांग्रेस को भंग कर देना चाहिए, कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, तो बापू का ये सपना आने वाले समय में भारत की जनता पूरा करेगी। और जिस प्रकार से भारत जोड़ो यात्रा निकाली भारत तोड़ने वालों ने,
और जो भारत के साथ जिन्होंने सालों से अन्याय किया वो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, तो ये सब भारत की जनता देख रही है। विधानसभा चुनाव में करारी हार के बाद कांग्रेस हार माने या ना, बीजेपी वोटरों को संदेश दे रही है कांग्रेस को खत्म करना है। लेकिन विपक्षी पार्टी कह रही है विधानसभा चुनाव बीत चुका है, लोकसभा चुनाव का मौसम कुछ अलग होगा, कांग्रेस वापसी करेगी, जरूर करेगी और दमदार तरीके से वापसी करेगी। 15 फरवरी तक मध्य प्रदेश में कांग्रेस प्रत्याशियों के नाम तय कर लिए जाएंगे। कांग्रेस की पूरी तैयारी जारी है, प्रदेश स्तर पे या इंदौर की भी बात करें तो पूर्ण रूप से इस तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा कि हम जीतने की परिस्थिति में हर सीट पे पहुंचे। सारे नेता एकमत हैं कि सबकी सहमति से एक ही टिकट फाइनल किया जाएगा और कोशिश की जा रही है कि 15 फरवरी या उसके आसपास टिकट घोषित किए जाएं। उसके बाद हर कार्यकर्ता हर पदाधिकारी कांग्रेस को विजय बनाने के लिए सक्रिय रहेगा। कांग्रेस को विश्वास है विधानसभा में हार के बाद लोकसभा चुनाव से पहले उम्मीद का सूरज उगा है तो विजय की रोशनी से सराबोर जरूर होंगे। दूसरी तरफ सत्ताधारी पार्टी बीजेपी विधानसभा में मिली प्रचंड जीत की आभा से कांग्रेस के उगते उम्मीदवारों के सूरज को डंक लेना चाहती है। मिथिलेश गुप्ता, News 18 इंदौर। अखिलेश यादव ने यूपी में कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर दोहराया है कि गठबंधन जरूर होगा। जहां तक प्रत्याशियों का सवाल है तो जो भी प्रत्याशी जीतने की स्थिति में होगा टिकट उसे ही मिलेगा। गठबंधन होगा और सीटों का भी बंटवारा अच्छा होगा। समाजवादी पार्टी का मानना बिल्कुल साफ है, आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से काम किया है, समीकरण प्रत्याशी अच्छा हो, जो सीट भारतीय जनता पार्टी को हरा देगा, जो प्रत्याशी उसी दल उसी प्रत्याशी को टिकट मिल जाएगी। समाजवादी पार्टी का कहीं किसी प्रत्याशी को लेकर के किसी सीट को लेकर के नहीं है, कोई आपत्ति नहीं है। समाजवादी पार्टी की कोशिश रहेगी गठबंधन बने और गठबंधन ही भारतीय जनता पार्टी को हराए। और इसी के साथ महासंग्राम 2024 में इतना ही, खबरें जारी रहेंगी।